वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ मिस्टर राजेश सर। स्टूडेंट, आज केमिस्ट्री का हम लोग सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे, सॉरी बच्चों सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। मेरे तरफ से कोशिश यही रही है कि आपको फर्स्ट चैप्टर ठीक से समझ में आए, लेकिन बच्चों मुझे लग रहा होगा कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसलिए मैं फर्स्ट लेक्चर को फिर से रिवाइज कराऊंगा। रिवाइज कराने का तरीका एकदम न्यू होगा, क्विज में लाऊंगा, क्विज के थ्रू मैं चीजों को आपके रिवाइज कराऊंगा। क्विज का मतलब क्या होगा बच्चों, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे आपके बोर्ड में आते हैं या वेरियस कंपटीशन में आते हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करेंगे उनके लिए भी वो फायदेमंद होगा, और जो बोर्ड की तैयारी करेंगे उनके लिए तो है ही। यानी कि पहला चैप्टर क्विज के माध्यम से आपके आपके पास लाया जाएगा। कई सारे क्विज होंगे, मैं पार्ट कर करके, जैसे कि जो पहले के दो वीडियो हैं या तीन वीडियो हैं उनके टॉपिक को सेलेक्ट कर लूँगा, उससे क्विज बनाऊँगा, फिर उसको और अच्छे से समझने के लिए फिर एक और क्विज बनाऊँगा, फिर बाद के टॉपिक पे एक एक वीडियो क्विज के फॉर्म में आपको देता जाऊँगा। तो घबराना नहीं है बच्चों कि सर ने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसको नहीं समझना है पहला चैप्टर। मैं इसके साथ ही पैरेलली चैप्टर वन पे क्विज लेके आपके पास आऊँगा, और उस क्विज में क्या होगा, क्वेश्चंस होंगे, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यानी कि कैसे उसका सोल्यूशन करेंगे पेपर में, वो आपको साथ ही साथ सीखेंगे। तो इस तरह से बच्चों इस नए अप्रोच से हम लोग चैप्टर वन को फिर से रिवाइज कर लेंगे, और मेरे ख्याल से यही अच्छा अप्रोच होता है कि जब आप क्वेश्चंस के थ्रू आप क्या करते हैं, रिविजन करते हैं, तो आपको ये पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है और उसको किस किस तरह से आंसर किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ये तो खैर पहला ही वीडियो है चैप्टर टू का, तो उनको कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन हाँ उनका अगर पहला चैप्टर तैयार नहीं है या फिर वो कहीं से पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो भी मैं कहूँगा कि पहले चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद या अभी इसको पॉज कर दीजिए, और नीचे एनसीएफ मिस्टर राजेश सर लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर प्लेलिस्ट वाले बटन पे टैप करके आप प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका कहाँ पे है। वहाँ पे क्रोनोलॉजिकली आपको ऑर्डरिंग करके लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं, अपडेट कर दिए गए हैं सारी चीज़ें, किस में कौन सा टॉपिक क्या क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो आप एक बार, मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने पढ़ लिया है तब भी मैं एक बार रिकमेंड करूँगा कि आप उसे ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपने नहीं सीखा है, पहली बार देख रहे हैं, तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपको सारा मटेरियल बेसिक टू एडवांस वहाँ पे मिल जाएगा, जितना आपके बोर्ड में रिक्वायर होता है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। तो बच्चों हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहले क्या, एसिड, फिर क्या पढ़ेंगे, बेस, और क्या पढ़ेंगे, साल्ट। यानी कि पहला हमारा बच्चों आज का टॉपिक जो है वो क्या है, एसिड। पहले हम क्या करेंगे, एसिड को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद बेस को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, साल्ट को अच्छे से पढ़ लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एसिड क्या होता है बच्चों, तो एसिड का सिंपल सा मतलब है बच्चों कि अगर हम सिंपल लिटरल लैंग्वेज में बात करें तो एसिड का मतलब होता है मटेरियल, मटेरियल विच टेस्ट हैज सॉल्ट। जैसे सॉल्ट को बच्चों क्या कहते हैं, खट्टा। जैसे क्या है कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी मटेरियल, जैसे लेमन हम लेते हैं, ठीक है, लेमन लेने पे क्या होता है, यानी लेमन खाने पे क्या होता है बच्चों, तो अब वो हमें क्या लगता है, खट्टा। इसी तरह से विनेगर, विनेगर बच्चों जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं, उसको भी खाने पे, टेस्ट करने पे वो कैसा लगता है, खट्टा लगता है। इसी तरह से बच्चों ऑरेंज लेते हैं, तो ऑरेंज भी जब हम खाते हैं, इनटेक करते हैं, ईट करते हैं, तो वो भी अच्छा कैसा लगता है बच्चों, हमको खट्टा लगता है। यानी कि ये सारे के सारे जो मटेरियल हैं वो उनमें क्या बच्चों मिला हुआ है, उनमें मिला हुआ है एसिड, यानी कि वो सब क्या आपके हैं, एसिडिक नेचर के। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि एसिड क्या है, तो हम क्या बताएंगे बच्चों, यानी कि वो सारे मटेरियल जो टेस्ट करने पे सॉर लगे यानी खट्टा लगे, तो हम उसको कहेंगे क्या है कि वो एसिड की प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है। लिटरल मीनिंग यही है। फिर केमिकल मीनिंग हम समझेंगे बच्चों, तो केमिकल मीनिंग अभी थोड़ा देर में समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि लिटरल मीनिंग हम ठीक से समझ पे आ पा रहा है कि नहीं। दूसरा बच्चों ये है कि ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें हमको, अब जैसे क्या होता है बच्चों
कि कोई चीज कम खट्टी है, कोई चीज क्या है ज्यादा खट्टी है, तो कैसे पता चलेगा कि ये तो पता चल गया हमको कि ठीक है दोनों चीजें क्या है एसिडिक है, मतलब एसिडिक नेचर है। तो लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे एक ऑरेंज दे एक नींबू दे और कहे कि बारी बारी से इसको चख के बताइए, टेस्ट करके बताइए कि किसमें एसिड ज्यादा है किसमें एसिड कम है, तो बताइए कैसे बता पाएंगे हम। तो उसको बताने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, जैसे आपका पीएच स्केल है, फिर और भी इंडिकेटर हैं उससे हम पता कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। अभी बस हमें इतना याद रखना है कि अगर कोई भी मटेरियल टेस्ट करने पे सौर लगे, खट्टा लगे, तो हम क्या कहेंगे उसको एसिड कहेंगे। या फिर दूसरी डिफिनेशन है कि अगर हमारे पास एक लिटमस पेपर, बच्चा आप लोगों को पता होगा लिटमस पेपर क्या होता है, लेबोरेटरी में एक स्पेशल तरह का पेपर होता है जिसे हम क्या कहते हैं लिटमस पेपर, और ये बेसिकली इसीलिए रखा जाता है कि कौन सी चीज एसिड है कौन सी चीज बेस है ये पता करने के लिए। तो अगर कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है विच टर्न यानी कि बदल देता है ब्लू लिटमस पेपर कलर ऑफ लिटमस इस तरह से भी कहते हैं ब्लू टू रेड। ठीक है, यानी कि अगर हमने क्या किया, जैसे हमने लेमन ले लिया, ठीक है, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ बच्चों में, एक तो हम टेस्ट करके बता सकते हैं, एक हम कहें कि अच्छा ठीक है साइंटिफिक मेथड थोड़ा सा हमको चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि हम लिटमस पेपर ले लेते हैं लैब से और उस पे लेमन का या फिर ऑरेंज की एक एक ड्रॉप गिराते हैं। तो एक एक ड्रॉप गिराने पे अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो अगर रेड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा ऑरेंज या फिर लेमन जो है वो क्या है एसिड है। बच्चों लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं आपके लैब में प्रेजेंट होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक क्या होता है रेड लिटमस पेपर। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे वो मटेरियल गिराएं जिसमें एसिडिक कैरेक्टर हो यानी जिसमें एसिड मौजूद हो, तो लिटमस पेपर कलर कैसा हो जाता है बच्चों, रेड हो जाता है। और अगर कोई पूछे बच्चा कि सर अच्छा रेड पे गिरा दे, तो रेड पे गिरा देंगे तो उसका कलर एज इट इज बना रहेगा, बदलेगा नहीं, तो उससे तो रिजॉल्व होगा नहीं, यानी कि ब्लू को किसने कन्वर्ट कर देता है, ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो इतना बात क्लियर हुआ, यानी कि अभी तक बच्चों हमारे पास दो तरीके क्या हुए कि एक हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज एसिड है कौन सी चीज एसिड है जिसका टेस्ट क्या होगा खट्टा होगा सौर होगा। दूसरा अगर वो बंदा नहीं मानेगा तो कहेंगे ठीक है अच्छा आप चलिए लैब में हमारे साथ, या फिर हम लिटमस पेपर कहीं से ब्रॉट कर लें, ब्रॉट करने के बाद क्या कर लें कि उस पे एक दो ड्रॉप लेमन का या फिर ऑरेंज का या फिर जिस भी मटेरियल को हमको चेक करना है, तो ब्लू लिटमस पेपर के कलर को अगर वो रेड कर देता है तो हम कहेंगे कि ठीक है अब ये क्या हो गया एसिड, यही इसके पहचान का तरीका है। और अगर ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो हम कहेंगे कि वो मटेरियल आपका एसिड नहीं है। तो ये दोनों तरीके तो हमको समझ में आ गए कि एसिड हम चेक कर लेंगे। अब अगर हमसे कोई पूछे, जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको बताया कि ऑरेंज दे दिया जाए और लेमन दे दिया जाए और कहा जाए कि दोनों में एसिड किसमें ज्यादा है, तो हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए बच्चों यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ हमको नापना है, यानी कि हमको बताना है कि ऑरेंज या फिर लेमन में से कौन अच्छा है एसिड नेचर में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे पीएच स्केल पढ़ेंगे। तो मैंने कहा है कि वो आगे के लेक्चर में करेंगे। तो हमको ये पता चल गया कि एसिड का मतलब क्या है। ठीक, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड पे। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ एसिड, तो अगर आप इसका एग्जांपल देना चाहेंगे तो एग्जांपल में बच्चों बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, विनेगर हो गया। ठीक है बच्चों, विनेगर हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, उसके बाद हो जाएगा टर्मरिंड हो गया, टोमेटो भी थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये सारे आपके हो गए। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 कहते हैं, नाइट्रिक एसिड जिसको क्या कहते हैं HNO3। ये बच्चों आपका क्या है नाइट्रिक एसिड है, ये बच्चों आपका क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि पहली बार है और बच्चों को हो सकता है ना आए। और फिर ये क्या है बच्चों आपका, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो ये सारे एग्जांपल होगा। ठीक, तो अब हम टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एसिड में बच्चों दो तरह की एसिड है हमारे पास, कितने एसिड हैं दो तरह से। पहला है बच्चों, मतलब दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, पहला है अकरेंस के बेसिस पे और दूसरा है स्ट्रेंथ के बेसिस पे। कैसे बच्चों, स्ट्रेंथ के बेसिस पे और क्या है अकरेंस के बेसिस पे, मतलब कि कैसे वो अकर कर रहा है इसके बेसिस पे हम बताएंगे, और फिर
कौन तगड़ा है, जैसे स्ट्रेंथ में वही होता है कि कौन स्ट्रांग है और क्या है कौन वीक है। ठीक है, तो पहले हम अकरेंस के बेसिस पे जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब लिखते चलिएगा, नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन आप कीवर्ड्स लिखते रहिएगा। अकरेंस के बेसिस पे बच्चों फिर से आपके एसिड दो तरह के होते हैं। कितने होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं नेचुरल एसिड, क्या होते हैं? नेचुरल। और एक होते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब तो कुछ कुछ हमको आ रहा होगा समझ में। नेचुरल का मतलब होता है कि वो एसिड जो नेचर से हमको मिलते हैं, नेचर से मतलब जैसे प्लांट से मिलते हैं, फिर कोई एनिमल है उससे मिलता है, या फिर अदर तरीके से हमको मिलता है। आर्टिफिशियल का मतलब है कि ऐसे एसिड जो मैनमेड है, यानी कि नेचुरल को हम कह सकते हैं फ्रॉम नेचर। किससे कह सकते हैं बच्चों? फ्रॉम नेचर। ठीक, नेचर में आपके क्या हैं? प्लांट हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके प्लांट हो गए, ठीक है, एनिमल हो गए एक्सेट्रा। तो इनसे जो एसिड मिलता है वो हमारा क्या होता है? नेचुरल एसिड। आर्टिफिशियल में क्या है? जो हम लोग बनाते हैं, यानी फ्रॉम मैन मेड। ठीक है, अब मैन कहाँ बनाएगा? लैब में बनाएगा, तो यह कर सकते हैं इसको लेबोरेटरी। तो पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं। तो टाइप ऑफ एसिड कितने हो गए बच्चों? दो तरह के हो गए। पहला क्या हो गया आपका? नेचुरल। दूसरा क्या हो गया आपका? आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? जो नेचर से मिलता है, यानी प्लांट, एनिमल या एक्सेट्रा। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या है बच्चों? कि जो हमारा किससे मिलता है आपका? जो मिलता है किससे? मैन मेड, यानी जो बनाते हैं इंसान। अब नेचुरल में बहुत सारे एसिड हैं बच्चों। नेचुरल में आपके बहुत सारे एसिड हैं, जैसे लेमन, लेमन तो प्लांट से ही मिलता है बच्चों। फिर ऑरेंज, ऑरेंज भी क्या है बच्चों? प्लांट से मिलता है। ये मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ बच्चों। ऑरेंज भी किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। फिर उसके बाद है टोमेटो, टोमेटो भी किससे मिलता है बच्चों? प्लांट से मिलता है। फिर टॉमेरेंड मिलता है, टॉमेरेंड मिलता है, ठीक है बच्चों। फिर हम दही जमाते हैं, कर्ड, उससे भी मिलता है। ठीक, तो ये हो गए किसके एग्जाम्पल बच्चों? नेचुरल। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल। दिख रहा होगा बच्चों, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे है HCl हो गया, फिर है H2SO4। HCl को क्या बोलते हैं बच्चों? HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। फिर HNO3 को हम लोग बोलते हैं क्या? नाइट्रिक एसिड। फिर उसको बोलते हैं CH3COOH, जिसको बोलते हैं बच्चों, आप लोग नहीं जानते हैं, एसिटिक एसिड। और इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। ये इसका है बच्चों, ध्यान रखिएगा। फिर एक आ जाता है, नीचे लिख देते हैं, एक है H2CO3, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोनिक एसिड। यानी कि हमने ये चीज समझी कि अच्छा दो तरह के हैं। और कभी कभी ये पूछता है बच्चों कि आप बताइए कि आर्टिफिशियल कौन कौन से एसिड है, कौन कौन से एसिड नेचुरल हैं। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि ये नेचुरल में है। ठीक है, आपके सिलेबस में इससे बाहर से नहीं आएगा। लेमन है, ऑरेंज है, टोमेटो है, टमरिंड है और कर्ड है। और पाइल जूस भी बच्चों क्या है? जो आपके पेट में मिलता है, वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि मैनमेड में ही आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे बॉडी से दोनों कैटेगरी में, नेचुरल प्लस मैनमेड दोनों, तो वो नहीं देता है हमको, ये याद रखना है। और आर्टिफिशियल में ये सब है। अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जैसे क्या है, विनेगर है, विनेगर भी बच्चों, अब जैसे क्या है, लेमन में पूछ देगा कि कौन सा एसिड मौजूद है, ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ध्यान से रखिएगा बच्चों। लेमन में कौन सा एसिड है? तो बच्चों कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कर्ड, कर्ड में कौन सा एसिड है? कर्ड में बच्चों है लैक्टिक एसिड, जो कि मिल्क में होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड, जो कि ये कर्ड और क्या होता है? मिल्क में होता है। इसी तरीके से बच्चों टोमेटो, टोमेटो में भी आपका, और टोमेरेंट, ठीक है, इन दोनों में आप लोग मुझे खोज के बताएंगे कि कौन सा एसिड होता है। ठीक है, इसी तरीके से विनेगर, ठीक है, ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ये पूछा जाता है। तो विनेगर में बच्चों होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे पूछ दिया जाएगा 1-1 मार्क में कि द एसिड प्रेजेंट इन लेमन तो क्या कहेंगे? सिट्रिक एसिड। द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर तो क्या कहेंगे? एसिटिक एसिड। द एसिड प्रेजेंट इन मिल्क आर कॉल्ड इज लैक्टिक एसिड। फिर टोमेटो और ये टॉमरिंड का आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, या फिर ग्रुप में मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि एसिड क्या होता है, उसकी डिफिनेशन देखी, दो तरीके से डिफिनेशन देखी, एक लिटरल मीनिंग जिससे कि साधारण इंसान को समझाया जा सकता है, एक दूसरी डिफिनेशन देखी जिससे कुछ साइंटिफिक पर्सन होंगे वो एक हद तक हमसे एग्री करेंगे, जो लिटरल मसाला बताया। फिर हम ये जानने की कोशिश में लगे, अच्छा ठीक है एसिड तो हमने जान लिया, अब हम जानने में लगे कि एसिड के कितने टाइप होते हैं। तो हमको ये पता चला कि टाइप भी दो तरह के हैं, यानी दो टाइप, जो टाइप डिवाइड किए गए हैं वो उनके दो बेसिस हैं। पहला बेसिस है उनका आपका क्या है? नेचुरल, जो कि नेचर से प्राप्त होते हैं या नेचर से हम लोग पाते हैं।
और इसके एग्जाम्पल मैंने दे दिए। दूसरा है आर्टिफिशियल जो कि हम लोग बनाते हैं, इसके भी एग्जाम्पल मैंने दे दिए। फिर जो लास्ट टॉपिक बताया इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है कि किस मटेरियल में कौन सा एसिड पाया जाएगा। तो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे। उसके पहले हम स्ट्रेंथ जानेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होता है। तो मिलते हैं बच्चों लेक्चर 2 में।